जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भवसर। तो आज मैं ये पैठनी साड़ी ड्राई क्लीनिंग करूँगा। काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी है, 10-15 हज़ार रुपये की तो होगी ही, और इसका फॉल काफ़ी डर्टी है। कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा है कि फॉल कितना डर्टी है, बट कंपलसरी फॉल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं इन पैठनी साड़ियों के, क्योंकि ये साड़ियाँ महंगी होती हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए इनको 400-500 रुपया खर्चा आता है, तो कस्टमर इनको बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं, उसके बाद में ड्राई क्लीनिंग को देते हैं, तो वो एक स्वाभाविक है कि साड़ी भी बहुत ज़्यादा ख़राब भी होगी। और दूसरी बात ऐसा है कि इसमें लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। और ये जो आप वो लाइनिंग देख रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। इतनी महंगी साड़ी होने के बावजूद भी ये साड़ी में ऐसा डिफेक्ट होता है, उसका मतलब ये है कि ये साड़ी हैंड लूम पे, जो मशीनों से नहीं हैंड लूम पे बनवाई गई है, मीन्स येवला पैठनी है ये, जो प्रॉपर येवला में बनाई जाती है। ये काफ़ी रेयर साड़ी है और काफ़ी कॉस्टली है, और प्योर सिल्क की हैंडमेड पैठनी साड़ी है, और इसमें सारे नेचुरल कलर्स यूज़ हुए होते हैं। तो ये एक बात है। और उसके बाद में इन साड़ियों के कलर जो होते हैं वो टू मच लूज कलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फैब्रिक होता है प्योर सिल्क का, और साथ ही साथ कलर भी ज़्यादा लूज होते हैं। इन साड़ियों को वॉश करने के, ड्राई क्लीनिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जो मैं यहाँ पे मेरी बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग में लोगों को सिखाता हूँ। बट पेट्रोल वॉश का काम बहुत ही रेयर है, 1-2 महीने में एक आध बार मैं करता हूं, और उसकी वीडियोस में डेफिनेटली बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास जो भी सब्सक्राइबर फ्रेंड आते हैं उनको ये काम हमेशा देखने को नहीं मिलता, तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाता हूं। और रही बात इस साड़ी की, तो इसमें मैंने 2 लीटर MTO यूज़ किया है। MTO मतलब मिनरल टर्पेंट ऑयल, जिसको आप व्हाइट पेट्रोल भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, काफ़ी जगह अलग अलग नामों से मिलता है ये, और मुझे भी लोकल प्लेस में मिलता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल केमिकल पे भी मिल जाएगा। पहले मैंने 1 लीटर डाला था, मेरे को लगा कि उतने में हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो मैंने और 1 लीटर उसमें MTO मैंने डाला है। तो इस तरह से साड़ी के जो ऑयल स्टेन वगैरह होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सारे इस पेट्रोलियम केमिकल से रिमूव हो जाते हैं। और ये ट्रे का आइडिया मुझे दिया है सन सिटी ड्राई क्लीनर्स जोधपुर राजस्थान, मनीष सियानी जी जिनका नाम है, जिन्होंने मुझे ये ट्रे में साड़ी वॉश करने का आइडिया दिया था, क्योंकि फॉल काफ़ी डर्टी होते हैं और पेट्रोलियम केमिकल में वाटर सॉल्यूबल स्टेन नहीं जाते हैं। तो थैंक यू मनीष सियानी जी मुझे ये आइडिया देने के लिए, ये ट्रिक बताने के लिए। फ्रेंड्स, इस लाइन में, लॉन्ड्री बिजनेस की लाइन में, कोई भी अपना स्किल बिल्कुल भी नहीं शेयर करता है, तो मनीष सियानी जी जैसे बहुत थोड़े लोग हैं। अगर आपको इन लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे भी मोटिवेट करना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर देना। मैं अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ, और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो, तो कोई ना कोई वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। और ये सभी कुछ बिल्कुल भी फ्री है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू मनीष यानी जी। और फ्रेंड्स, ये पैठनी साड़ी है, 10-15 हज़ार रुपये की है, मैंने 400 रुपये इसके ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस लिए हैं। और कस्टमर की साड़ी जब महंगी होती है तो कस्टमर पैसे देता है, बट कोई साड़ी होती है जो 1,000 रुपये की होगी, 2,000 की होगी, 3,000 की होगी, वो भी साड़ी हमारे शॉप में ड्राई क्लीनिंग के लिए आती है, तो उनके अलग अलग टाइप होते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे फिनिशिंग हम देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल जो मेरा काम होता है ना, उसके लिए मैं हर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, या उसके लिए वीडियोज़ बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो काम मैं रेगुलर करता हूँ और काफ़ी, और ये एक समझ लीजिए कि ये हमारा स्किल है, जो हम थोड़ा थोड़ा अभी YouTube पे शेयर कर रहे हैं। 800 वीडियो मैंने YouTube पे बनाई है, लेकिन बहुत सारा काम है जो YouTube में आना अभी बाकी है। और अगर आपको ये लॉन्ड्री बिजनेस करना है, तो आप हमारा बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। हर तरह की साड़ी किस तरह से वॉश और ड्राई क्लीनिंग की जाती है, ये हम स्किल आपको सिखाते हैं। इसके वजह से आपको लॉन्ड्री बिजनेस करने में, मैनेजमेंट करने में, प्रैक्टिकल वर्क करने में, या लोगों से काम करवाने में काफ़ी हेल्प होती है,
और स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि आपसे बिजनेस होगा नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो बस यही है फ्रेंड्स, इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना जरूरी है। तो और फ्रेंड्स मुझे माफ़ करना अगर मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा भटक जाऊं, बट काफ़ी सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि सर हम ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, हमें स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स मैं मेरे काम में 24/7 मीन्स 24 घंटे मेरे काम में मैं बिज़ी होता हूँ। रात सोता भी हूँ तो भी मेरे को कल क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती रहती है मेरे दिमाग में। उसके बाद में पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना, सारा काम मेरा मोबाइल से होता है, तो इसीलिए मैं कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ और किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ। हाँ बट जब आप यहाँ से बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग लेके जाते हो और ट्रेनिंग लेते हो तो मैं पूरा टाइम अपने ट्रेनिंग सब्सक्राइबर्स को देता हूँ। तो यही मेरा कमिटमेंट है, बिटवीन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग लेने के बाद में भी आपसे हमें कनेक्टेड रहना है। जो भी मुझ पर ट्रस्ट लेके मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया है तो उससे मुझे कनेक्ट रहना है, ये मेरा कमिटमेंट है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी किसी भी फ़ोन का किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो बस यही है फ्रेंड्स, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ है। और दूसरी बात है, ट्रेनिंग के लिए अगर आना होगा तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे SMS करना होगा। उसके बाद में मैं आपको 10-12 वीडियोस मेरी शेयर करूंगा, वो वीडियो देखने के बाद में आपको लगा तो आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं पूरे पैसे एडवांस में लेता हूँ, क्योंकि जब आप किसी को एडवांस अगर पैसे देते हो ना तो आप उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, रिसर्च करते हो उस सामने वाले आदमी से रिलेटेड। मेरा चैनल रिसर्च करो, मुझे रिसर्च करो, अगर मैं सच में आपके काबिल हूँ ट्रेनिंग देने के तो ही मुझे एडवांस में फीस दीजिए और मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आइए, बस यही कहना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये साड़ी हमारी 100% क्लियर ड्राई क्लीनिंग हो गई है और शाइनिंग देखने से ही बनती है। शाइनिंग अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छे से शाइनिंग आई है और 100% डैमेज फ्री ये काम हुआ है। और ऐसी साड़ियों ड्राई क्लीनिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारी तकनीक है, बट मैं सभी यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि लोग घर पे भी इस तरह का ट्राई करते हैं। अगर आपके पास हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन हो या डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन हो तो यह आप घर पे भी पॉसिबल है करना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद फ्रेंड्स।